अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ दिवस के उपलक्ष्य पर ऊना के बचत भवन में जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त ऊना संदीप कुमार ने की। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक हमारे देश के बहुमूल्य धरोहर हैं, जिनके अनुभव का व्यक्ति, परिवार, राज्य, राष्ट्र और विश्व समुदाय को आगे ले जाने में बहुमूल्य योगदान रहता है। उन्होंने बताया कि जिस तरह इतिहास को पढ़ने के उपरांत समाज व व्यक्ति भविष्य में इतिहास की घटनाओं से सबक लेता है, उसी प्रकार बुजुर्गों के अनुभव और शिक्षा से भी वर्तमान पीढ़ी पुरानी गलतियों से सबक लेकर अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सकती हैं। उपायुक्त ने कहा कि मानव समाज में बुजुर्ग ऐसे वट वृक्ष के समान हैं जो जीवन के संघर्ष में आने वाले संकटों से अनुभव के आधार पर हमें शिक्षित कर हमारी सुरक्षा करते हैं। इस मौके पर उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति को, जिनकी आय 35,000 रुपए वार्षिक से अधिक नहीं है, उन्हें 850 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है, जबकि 70 वर्ष या इससे अधिक आयु वालों को 1500 रुपए पेंशन दी जा रही है। इस मौके पर उपायुक्त ने वरिष्ठ नागरिकों को शॉल, टोपी व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। ये सभी हम लोग की कुंजी है, हमारी धरोहर है, उनके आशीर्वाद और उनकी शुभकामनाएं कि हमेशा हमें जरूरत करती है। हिमाचल प्रदेश सरकार, भारत सरकार अनेकों एक योजनाएं सीनियर सिटीजन्स के लिए, फिर नागरिकों के लिए चलाई गई है। आज सभी यहाँ पर वरिष्ठ नागरिकों के साथ उनके ऊपर चर्चा की गई। जहाँ तक जिला ऊना की बात, जिला ऊना में करीब 27,000 से ज़्यादा हमारे वरिष्ठ नागरिकों के दिन को हम वृद्धावस्था की पेंशन से हमें अधिकार देकर उस टाइम उस कार्य में जो हम अपना योगदान दिया, मैं इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं सभी वरिष्ठ नागरिकों की दीर्घायु की और स्वस्थ स्थिति मंगल कामना करता हूँ। आने वाला समय हम सबके लिए बहुत अच्छा हो, ये हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत और हम इनके प्रण कर।